Hello friends, welcome to Wikibug. In this video we are going to see the estimation by using long wall short wall method. एक 1 BHK residential building दिया गया है जो कि एक load bearing structure है, उसका estimation कैसे करना है, number of items की quantity कैसे calculate करना है वो हम आज के video में देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो एक किचन, एक लिविंग रूम एंड एक बेडरूम, दैट इज द 1 BHK का एक सैंपल एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसका प्लान एंड उसका सेक्शन इस एग्जांपल में दिया गया है। इसका यूज करके हमें आइटम्स कैलकुलेट करने हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग बाय लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। इस एग्जांपल को एकदम इजी वे में अगर समझना है, जानना है, तो इस टोटल एग्जांपल को फर्स्टली आपको टोटल 4 स्टेप में डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 1, जो भी ड्रॉइंग आपको दी गई है प्लान एंड सेक्शन, उसको प्रॉपरली रीड करना है। डायमेंशन सेक्शन के जो है, प्लान के जो है, उसको प्रॉपरली आप देख के अंडरस्टैंड करोगे तो ही आप उस इजी वे निकाल सकोगे। एज पर द फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हो प्लान जो दिया गया है किचन, लिविंग रूम एंड बेडरूम, उसको आपको स्टडी करके उसको कन्वर्ट करना है सेंटर लाइन प्लान में एंड उसे स्प्लिट करना है नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल में। उसको नॉमिनक्लेचर नाम देना है L1, L2, S1, S2 फॉर्मेट में। आप देख सकते हो जो भी प्लान आपको दिया गया है उसके सेंटर टू सेंटर डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ किया है। इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल लोकेट करेंगे, मार्क करेंगे। दिस इज द सेंटर लाइन प्लान एंड अब इसको प्रॉपरली अगर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दीज आर द लॉन्गर वॉल्स। मैं इसको एज्यूम करूंगा एज अ लॉन्ग वॉल। वर्टिकल वॉल जितने भी इस प्लान में दिए गए हैं वो सब मैं कंसिडर करूंगा एज अ लॉन्ग वॉल। मीन्स मुझे लॉन्ग वॉल, मैं इसको एज्यूम करूंगा, मैं इसको नाम देता हूँ, नॉमिनक्लेचर दे रहा हूँ, दिस विल बी दी L1, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर आपको इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर लोकेट करना है, समझना है, तो आपको जो भी ड्राइंग आपको दी गई थी उस ड्राइंग को डायटा पेन से भी मार्क कर सकते हो या फिर आपके लिए और एक ड्राइंग लिए प्रिपेयर की है। आप देख सकते हो दिस इज द किचन, यस, देन दिस इज द बेडरूम, देन दिस इज द लिविंग रूम एंड डायमेंशन आर 3x2.5। यस, अगर आपको डायमेंशंस प्रॉपरली कैलकुलेट करना है तो मुझे एक्चुअली डिस्टेंस चाहिए ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। मीन्स मैं ड्राइंग के ऊपर लोकेट करूंगा ये वॉल का सेंटर एंड ये वॉल का सेंटर, इन दोनों में जो भी डिस्टेंस रहेगा मैं उसे कंसीडर कर रहा हूं एज अ लॉन्ग वॉल। मीन्स मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यस, ये डिस्टेंस कैसे लोकेट करेंगे आप? आप देख सकते हो वॉल थिकनेस यहाँ पे दी गई है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस है, मींस इस सबकी जो विड्थ है 30 सेंटीमीटर विड्थ है। अगर आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड अगर यूज करते हो तो आपको फर्स्टली सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस कैलकुलेट करने होंगे। अगर मैं इस वे में कैलकुलेशन के लिए जाता हूं फ्रॉम दिस पॉइंट तो क्या क्या आएगा? जनरली जो फर्स्ट डायमेंशन जो होता है 3 मीटर, ये रहेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सेकंड डायमेंशन जो दिया गया है 2.5, दैट विल बी द वर्टिकल डिस्टेंस। मीन्स जो भी रूम के इनर डायमेंशन दिए गए हैं, फर्स्ट डायमेंशन रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेकंड डायमेंशन रहेगा वर्टिकल। मीन्स ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जो वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगा ये रहेगा 2.5। लिविंग रूम में वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा 5 मीटर इनर डायमेंशन, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया 3x5, 3 रहेगा हॉरिजॉन्टल, 5 रहेगा वर्टिकल। मीन्स अगर मैं जाऊं किचन में तो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा 2.5 और यहाँ रहेगा 5। दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट ये रहेगा हाफ वॉल थिकनेस, देन टोटल 2.5, देन ये टोटल वॉल थिकनेस, देन 5 मीटर एंड लास्ट हाफ वॉल थिकनेस। मीन्स टोटल मैं इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करूंगा तो फर्स्टली वहां पे आएगा L1 इक्वल टू वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर, उसका हाफ 0.3/2 प्लस वर्टिकल डिस्टेंस 2.5, ये डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया, देन टोटल वॉल थिकनेस मीन्स 0.3, वॉल थिकनेस 0.3 है, देन लिविंग रूम का वर्टिकल डायमेंशन इनर डायमेंशन 5 एंड लास्ट ये हाफ वॉल थिकनेस का हाफ। मीन्स टोटल वैल्यूज आएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ, टोटल 5 वैल्यूज आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। कैलकुलेशन में देखूं तो L1 आएगा 8.1 मीटर एंड जो वॉल्स हैं L1 नाम के, ऐसे दो वॉल इस प्लान में दिए गए हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 नंबर्स। मीन्स L1 नाम के इस प्लान में L1 8.1 मीटर डिस्टेंस रहेगा एंड ऐसे दो वॉल यहाँ पे हैं। जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस प्लान में और कितने वर्टिकल वॉल्स बैलेंस रहे हैं? ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई एंड लास्ट ये वॉल रही है। मैं नॉमिनक्लेचर देता हूं L2। देन नेक्स्ट
लॉन्ग वॉल एल टू का डिस्टेंस। वंस अगेन आपको ये प्लान देखना होगा, यस मुझे यहां से यहां तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए। कैसे कैलकुलेट करना है, वंस अगेन बेडरूम के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन चेक करना है, हाफ वॉल थिकनेस ऐड करना होगा दिस वन, देन इनर डायमेंशन 4 एंड लास्ट हाफ वॉल थिकनेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड मीन्स टोटल 3 डायमेंशन। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए मीन्स ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस चाहिए, मीन्स हाफ वॉल थिकनेस प्लस 4 प्लस हाफ वॉल थिकनेस, हाफ वॉल थिकनेस प्लस वर्टिकल डिस्टेंस 4 प्लस हाफ वॉल थिकनेस 0.3/2 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आएगा 4.3 मीटर। एंड ऐसे यहाँ पे टोटल कितने वॉल हैं, L2 के इस पूरे प्लान में एक ही वॉल है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 नंबर, मीन्स टोटल लॉन्ग वॉल है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, L1 2, L2 1, मीन्स टोटल लॉन्ग वॉल 3 है, फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट थर्ड। इसके अलावा इस प्लान में कोई भी बैलेंस वॉल रहनी नहीं चाहिए, कोई भी वॉल अगर आप ड्रॉप करते हो बाय मिस्टेक तो उसका आंसर मैच नहीं होगा, आंसर टैली नहीं होगा, आंसर करेक्ट नहीं आएगा, आपको ये प्रिकॉशन यहाँ पे लेना है और कॉन्फिडेंस नहीं करना है। नेक्स्ट पूरे वर्टिकल वॉल हो चुके हैं, अब मैं नेक्स्ट जाता हूं नेक्स्ट शॉर्ट वॉल, इस प्लान के अंदर कितने शॉर्ट वॉल है एंड उसे नॉमिनक्लेचर क्या देना है। अब देख सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 3, 3, यहाँ पे भी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल 3। ओके, मैं इस वैल्यू को एज्यूम करता हूं S1 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ड्रॉइंग की ओर देखना है आपको, S1 मैंने एज्यूम किया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एज अ S1, मींस ये वॉल का सेंटर एंड ये वॉल का सेंटर, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द शॉर्ट वॉल S1। मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी एक्चुअली सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मार्क करके उसे नॉमिनक्लेचर नाम दे रहा हूँ, लाइक लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल L1 L2 S1 S2। यस दिस विल बी द S1 एंड S1, जैसे हम लोगों ने वर्टिकल डिस्टेंस किया लिया था लॉन्ग वॉल के लिए, अब हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर द शॉर्ट वॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज द किचन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया गया है 3 मीटर, मीन्स ये पॉइंट से ये पॉइंट इनर डिस्टेंस है 3। मुझे उसमें हाफ वॉल थिकनेस ये साइड की बिकॉज ये ऐड होगा और ये भी ऐड होगा बिकॉज ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए, हाफ वॉल थिकनेस ये साइड की एंड हाफ वॉल थिकनेस ये साइड के, दोनों वॉल थिकनेस हाफ हाफ ऐड होंगे, मीन्स मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट, कैलकुलेशन करते हुए मैं इधर जाऊंगा, S1 इक्वल टू 0.3/2 ये वॉल थिकनेस हो गई, देन टोटल इनर डिस्टेंस दैट इज अ 3 प्लस हाफ वॉल थिकनेस ये साइड की, मीन्स आंसर आएगा 3.3 मीटर। प्रॉपर केयरफुली अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट वॉल S1 नाम के कितने वॉल्स यहाँ पे हैं, इसका भी डिस्टेंस इन 3 है, इसका भी डिस्टेंस 3 है, इसका भी डिस्टेंस 3 है, मीन्स सबका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है, दैट्स वाई ये भी S1 होगा, S1 ये भी S1 होगा बिकॉज इसका इनर डायमेंशन 3 मीटर है, ये भी S1, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 वॉल्स यहाँ पे S1 नाम के हैं, मीन्स इजी होगा अगर आप इजी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल अगर आप मार्क करते हो एज्यूम करते हो, आपने एक बार लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के नॉमिनक्लेचर देके नंबर्स अगर एक बार मार्क कर लिए, डिस्टेंस एक बार लोकेट कर लिए, इसके बाद आपको एक्चुअली मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेट अस सी द मेजरमेंट शीट एंड इट्स आइटम वाइज क्वांटिटी कैलकुलेशन, आपके स्क्रीन पे देख सकते हो मेजरमेंट शीट। यस सबसे पहले रहेगा सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, देन नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट ऑफ द डेप्थ एंड लास्ट रहेगा क्वांटिटी। जैसे हमें पूछा गया है फर्स्ट कैलकुलेट हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ एक्सकेवेशन और अर्थवर्क फॉर द फाउंडेशन। एक्सकेवेशन मींस ग्राउंड लेवल के नीचे आपको फुटिंग के लिए जो एक्सकेवेशन करना है वो, आपको इसके लिए आपको जो ड्राइंग दी गई है सबसे पहले आपको सेक्शन की ओर देखना है ग्राउंड लेवल, देन एक्सकेवेशन की विड्थ क्या होगी, एक्सकेवेशन की टोटल डेप्थ क्या होगी। यस एक्सकेवेशन की टोटल आउटर विड्थ होगी 0.9 मीटर, एक्सकेवेशन की डेप्थ होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ग्राउंड लेवल से जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट है 0.3 देन 0.5, यहाँ पे थिकनेस ऑफ PCC दिया नहीं था, मैंने एज्यूम किया है 0.15 एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, PCC की थिकनेस रहेगी 0.15, 0.5 एंड 0.3 मीटर। अब देख सकते हो एक्सकेवेशन फर्स्ट टाइटल डालूंगा मैं यहाँ पे लॉन्ग वॉल, इसी वे में आपको सॉल्व करना है लॉन्ग वॉल, सबसे पहले रहेगा L1, L1 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 8.1 मीटर। यस नंबर्स कितने हैं, नंबर्स रहेंगे 2। यस
देन लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल की लेंथ क्या होगी। स्टार्ट करने से पहले आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो दो फार्मूले यहाँ पे हैं। यस, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को ही कहा जाता है पीडब्ल्यू मेथड, और इसी को कहा जाता है आउट ऑफ इनटू इन मेथड। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल अगर आपको कैलकुलेट करना है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के लिए, तो फर्स्ट फार्मूला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ आइटम। मीन्स हम लोगों ने जो भी अभी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए हैं, ये होगी या ये होगी, इसमें विड्थ ऑफ आइटम ऐड करना है लॉन्ग वॉल के लिए एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल माइनस विड्थ ऑफ आइटम। शॉर्ट वॉल के लिए विड्थ माइनस करनी है, मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ आइटम। मीन्स मेजरमेंट शीट में आपको फर्स्टली, यस फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ आइटम। मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल L1 के लिए होगा L1 इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 8.1 प्लस विड्थ ऑफ आइटम। जो भी आइटम आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके विड्थ, अब देख सकते हो मुझे एक्सकेवेशन कैलकुलेट करना है, दैट इज अर्थवर्क फॉर द फाउंडेशन कैलकुलेट करना है, देन एक्सकेवेशन की विड्थ क्या होगी। अब देख सकते हो एक्सकेवेशन की विड्थ सेक्शन में 0.9 मीटर है। यस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 8.1 एंड विड्थ है आइटम की 8.9। कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 9 मीटर। ओके, अब सभी वैल्यूज को आपको यहां पे इंटर करना है। नंबर्स, लॉन्ग वॉल के दो नंबर्स L2 का वह एक एंड S1 शॉर्ट वॉल के पांच, दो एक और पांच मैं यहां पे लिखूंगा। दो नंबर्स, लेंथ जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 9 मीटर, विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन लेंथ विड्थ एंड हाइट लेंथ 9, विड्थ होगी एक्सकेवेशन की फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 0.9 मीटर। एंड डेप्थ, ग्राउंड लेवल से नीचे कितना एक्सकेवेट करना है, यहाँ पे है ग्राउंड लेवल एंड यहाँ पे है डेप्थ, यहाँ पे 0.3, 0.5 एंड 0.15। मीन्स आपको इसे कैलकुलेट करना होगा। मैं यहाँ पे हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ h इक्वल टू डेप्थ कैलकुलेट करूँगा 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.15, आंसर आएगा यहाँ पे 0.95 मीटर। मीन्स डेप्थ होगी 0.95 मीटर। कैलकुलेशन करने पे इसका आंसर आएगा 15.39। मोड ऑफ मेजरमेंट है मीटर क्यूब, इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ मीटर क्यूब। एक्सकेवेशन या अर्थवर्क का जो मोड ऑफ मेजरमेंट है वो है मीटर क्यूब। दैट मीन्स तीन डायमेंशन आएंगे, लेंथ विड्थ एंड हाइट। आपको तीन ही डायमेंशन प्लान मैन सेक्शन में देख के इंटर करना होगा। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉल में L1 हो गया, अभी कैलकुलेट करते हैं L2। यस, फार्मूला वंस अगेन वही, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ आइटम। L2 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, L2 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 4.3 प्लस विड्थ ऑफ आइटम। आइटम कौन सा चल रहा है, एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन की विड्थ है 0.9, यहाँ पे ऐड करूंगा 0.9। कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो इसका आंसर आएगा 5.2 मीटर। यस, दिस इज द लेंथ ऑफ L2। देन ये सभी जो वैल्यूज है उसके लेंथ विड्थ एंड हाइट आपको यहाँ पे प्रॉपरली टेबुलर फॉर्म में जो मेजरमेंट शीट में आपको बस इंटर करना है। नंबर्स कितने हैं, ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया है, लॉन्ग वॉल L1 के दो वॉल्स, L2 के एक वॉल। मीन्स L2 इक्वल टू नंबर्स में आएगा 1 एंड लेंथ अभी हमने जैसे कैलकुलेशन किया है 5.2। विड्थ एंड हाइट ऑफ एक्सकेवेशन एक बार आपने फाइनल कर ली तो वो चेंज बार बार होगी नहीं। मीन्स आपको सिर्फ विड्थ एंड हाइट ऑफ एक्सकेवेशन सिर्फ वन टाइम के लिए देखना है एंड उसके वैल्यूज एक बार डिसाइड होने के बाद उसको चेंज करना नहीं है। मीन्स एक्सकेवेशन की विड्थ आप देख सकते हो ये पॉइंट से ये पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 0.9 एंड डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन हमने ऑलरेडी जैसे कैलकुलेट किया था, आप देख सकते हो हाइट ऑफ एक्सकेवेशन 0.95। यस, मैं सभी इसको इंटर करूंगा यहाँ पे। नंबर्स 1, एक वॉल की लेंथ, लॉन्ग वॉल की लेंथ 5.2 अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया है, देन विड्थ 0.9, यस, देन हाइट यहाँ पे होगी 0.95। सभी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन आप करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी 4.44 मीटर क्यूब। इंटर करना है 4.44 मीटर क्यूब। दिस इज द लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल में एक्सकेवेशन का जो क्वांटिटीज रहेगी वो रहेगी L1 एंड L2 15.39 एंड 4.44 मीटर क्यूब। लॉन्ग वॉल का L1 मैंने कैलकुलेट किया टू नंबर्स, देन L2 का भी मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे किया है। लॉन्ग वॉल अब यहाँ पे कोई बची नहीं है। मीन्स मैं अभी कैलकुलेशन करूँगा शॉर्ट वॉल के लिए। यस, शॉर्ट वॉल दैट इज S1। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल के फार्मूले मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
लॉन्ग वॉल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल अगर कैलकुलेट करना है तो फार्मूला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ आइटम। एंड शॉर्ट वॉल का अगर कैलकुलेशन आपको करना है लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल अगर कैलकुलेट करना है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल माइनस विड्थ ऑफ आइटम। मीन्स यहाँ पे फार्मूले में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया है उसमें से विड्थ माइनस करनी है। मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा यस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ आइटम। कैलकुलेशन करूंगा मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल का मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। शॉर्ट वॉल एस वन डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3.3। यहाँ पे मैं इंटर करूँगा 3.3। ओके विड्थ ऑफ आइटम मीन्स जो आप आइटम कैलकुलेट कर रहे हो उसकी विड्थ। यहाँ पे हम लोग एक्सकेवेशन कैलकुलेट कर रहे हो, एक्सकेवेशन की विड्थ हमने ऑलरेडी डिसाइड की है 0.9। मैं यहाँ पे विड्थ माइनस करूँगा, आंसर आएगा 2.4 मीटर। बस आपको ये वैल्यूज यहाँ पे इंटर करना है, नंबर्स लेंथ विड्थ एंड हाइट। नंबर्स शॉर्ट वॉल के नंबर्स कितने हैं 5। मैं इंटर करूंगा यहाँ पे नंबर्स 5 नंबर्स। आप देख सकते हो S1 नाम के 5 वॉल इस ड्राइंग के अंदर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 नंबर्स। देन एक वॉल की लेंथ हमने अभी जैसे कैलकुलेट किया है 2.4। नेक्स्ट विड्थ एंड हाइट अब इसकी चेंज होगी नहीं, विड्थ एंड हाइट एक्सकेवेशन की, दिस इज द विड्थ and this is the height from this point to this point, width and height, yes values आपको बस यहाँ पे enter करना है 0.9 width and 0.95 depth। अगर आप इसका calculation करते हो तो answer आएगा 10.26 meter cube। Guys आपको just देखना है अभी कोई भी wall यहाँ पे missing है क्या। Yes आप देख सकते हो मैंने long wall L1 calculate किया है, L2 calculate किया है and S1 तीनों भी wall मैंने यहाँ पे L1, L2 and S1 यहाँ पे calculation किया है। Means इसका meaning ऐसा होता है कि मैंने पूरे drawing के जितने भी long wall and जितने भी short walls हैं इसमें से कोई भी वॉल मैंने मिस की नहीं है, टोटल सबका कैलकुलेशन किया है। मीन्स मुझे अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करना है। टोटल अगर आप करोगे, टोटल क्वांटिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड 15.39, 4.44 एंड 10.26। आंसर रहेगा 30.09 मीटर क्यूब। यस दैट इज द क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन। गाइस आपको अगर ट्रैक्टर या डंपर का ट्रॉली साइज अगर आपको पता है, आप उसका वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको ये जो 30.09 एक्सकेवेटेड जो मटेरियल यहाँ पे निकला है अर्थवर्क है उसको अगर आपको डंप करना है तो नंबर ऑफ ट्रिप्स से आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज द एक्सकेवेशन। चलते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर, दैट इज द पीसीसी फॉर फाउंडेशन। एक्सकेवेशन के बाद अगर आपको पीसीसी कैलकुलेट करने के लिए अगर किसी ने पूछा है तो पीसीसी फॉर फाउंडेशन बहुत ईजी कैलकुलेशन है। आपको ड्रॉइंग की ओर देखना होगा। यस जो भी आइटम आपको कैलकुलेट करना है उसको मैंने आपको जैसे बताया उसको आपको प्रॉपरली देखना है। PCC for foundation actually drawing में है यहाँ पे, this is the PCC for foundation। PCC की आप width check कर सकते हो, this is the PCC width of PCC 0.9 meter। thickness of PCC दिया नहीं था, हम लोगों ने assume किया है 0.15 and length आपको calculate करनी होगी। length इस way में length of wall होगी, जैसे कि procedure है long wall short wall। मैं firstly यहाँ पे लूँगा long wall, okay L1 equal to लॉन्ग वॉल का फार्मूला आपको पता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ आइटम। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे है 8.1, यहाँ पे है 4.3 एंड ये है 3.3। दीज आर दी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेज ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल, दिस इज दी सेंटर लाइन प्लान एंड दीज आर दी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेज ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। आपको यही वैल्यूज आगे कैलकुलेशन के लिए लेना है। यस आप देख सकते हो लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है L1 का 8.1, नेक्स्ट L2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 4.3। एज पर द फार्मूला क्या कहता है, एज पर द फार्मूला लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ आइटम। मीन्स आपको विड्थ ऐड करनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ आइटम, विड्थ आपको ऐड करनी है। मीन्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा प्लस एंड प्लस, लॉन्ग वॉल L1 एंड L2 दोनों में भी विड्थ ऐड करूंगा। PCC की विड्थ, दिस इज द PCC फॉर फाउंडेशन। PCC की विड्थ आप चेक कर सकते हो 0.9, जितना विड्थ एक्सकेवेशन के रहेगा उतना सेम विड्थ रहेगी PCC की, दैट इज द 0.9। मैं यहाँ पे इंटर करूंगा विड्थ ऑफ आइटम, आप देख सकते हो फार्मूला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ आइटम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस L1 एंड L2 के मैंने लिखा है प्लस विड्थ ऑफ आइटम। विड्थ ऑफ आइटम है 0.9 एंड नेक्स्ट 0.9।
अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ऑलरेडी आपने सेम कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, आंसर आएगा 9 मीटर एंड L2 का आंसर आएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगा 5.2 मीटर। आपको बस यहाँ पे ये वैल्यूज टैबलर फॉर्म में मेजरमेंट शीट के अंदर इंटर करने हैं। नंबर्स L1 के नंबर्स एक बार फाइनल किए, 2 मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, 2 यस। L2 के वो नंबर्स 1। एक वॉल की लेंथ यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेशन किया L1 का आएगा 9, L2 का डिस्टेंस 5.2। ओके, नेक्स्ट कॉलम है विड्थ एंड नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो है डेप्थ। विड्थ आप सभी को पता है, आपको चेक करना है तो आप ड्राइंग भी चेक कर सकते हो, PCC फॉर फाउंडेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज द विड्थ 0.9 एंड डेप्थ और थिकनेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 0.15 दिस इज द थिकनेस एंड दिस इज द विड्थ। यस, विड्थ रहेगी यहाँ पे 0.9, थिकनेस रहेगी 0.15। सेम वे में L1 की भी L2 के लिए भी सेम पुट करना होगा 0.9 एंड 0.15। कैलकुलेशन अगर आप करते हो, मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो इसका आंसर आएगा 2.43 मीटर क्यूब एंड 0.70 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब दैट इज द मोड ऑफ मेजरमेंट फॉर PCC। कॉन्क्रीटिंग वर्क आप कोई भी करते हो, बेड वर्क है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट रहेगा मीटर क्यूब। मीन्स तीन डायमेंशन आएंगे LBH, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके, सेकेंड वन शॉर्ट वॉल। नेक्स्ट स्टेप रहेगी शॉर्ट वॉल। आप देख सकते हो शॉर्ट वॉल का फॉर्मूला आपको पता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ आइटम। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूंगा S1 इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, हमने जैसे कि स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन किया है 3.3, माइनस विड्थ ऑफ आइटम। PCC की जो विड्थ है वो है 0.9, मैं यहाँ पे 0.9 डिडक्ट करूंगा, माइनस करूंगा, बिकॉज ये शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल में माइनस करना है एंड लॉन्ग वॉल में ऐड करना है 0.9। कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो इसका आंसर आएगा 2.4 मीटर। बस आपको यहाँ पे आप बस वैल्यूज इंटर करना है। शॉर्ट वॉल 5 नंबर्स, यस। एक वॉल की लेंथ, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल है 2.4, आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट विड्थ एंड हाइट, विड्थ 0.9 एंड हाइट 0.15, हाइट है डेप्थ। ये चारों भी वैल्यूज का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है एंड मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आएगा 1.62 मीटर क्यूब। यस, L1 भी लिया है, L2 लिया है, S1 भी लिया है, पूरे जो प्लान में जो भी लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल थे वो सबके वैल्यूज मैंने लिया है, L1, L2 भी लिया है, S1 के पूरे वैल्यूज। लेने के बाद टोटल करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा, यस, टोटल क्वांटिटी 1, 2 एंड 3 तीनों की एडिशन करने के बाद आंसर आएगा यहाँ पे 4.75 मीटर क्यूब। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे फर्स्ट आइटम दैट इज़ द एक्सकेवेशन कैलकुलेट किया है, उसके बाद PCC भी कैलकुलेट किया है। एक्सकेवेशन 30.09 मीटर क्यूब, देन PCC फॉर फाउंडेशन आंसर आया है 4.75 मीटर क्यूब। यस, दीज आर द क्वांटिटीज फॉर अर्थवर्क एंड PCC फॉर फाउंडेशन। कुछ जैसे पता है 4.75 मीटर क्यूब अगर कॉन्क्रीट वहाँ पे लग रहा है, यूज में आने वाला है, तो इसको आपको रेशो अगर पता है M15, M20 या M25, उसका यूज करके आप रेट एनालिसिस करके नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, एग्रीगेट कितना चाहिए, सीमेंट कितना चाहिए, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। यस, जाते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर, दैट इज द UCR मेसनरी। आपको जो भी आइटम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप उस आइटम की ओर देखना है जहां आपको वो वर्क एग्जीक्यूट करना है। आप देख सकते हो यहां पे दिस इज द UCR मेसनरी, UCR मेसनरी यहां पे स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बट आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा है, यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा है, मीन्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकंड स्टेप। मीन्स UCR मेसनरी की विड्थ यहाँ पे आप देख सकते हो 0.4 एंड 0.6, सिंगल विड्थ नहीं है, स्टेप फुटिंग में किया गया है। मीन्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ UCR मेसनरी एंड दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ UCR मेसनरी। मीन्स आपको UCR मेसनरी का कैलकुलेशन दो बार करना होगा, फॉर फर्स्ट स्टेप सेपरेटली एंड फॉर सेकंड स्टेप सेपरेटली, बिकॉज विड्थ यहाँ पे सेम नहीं है। अगर इसकी विड्थ यहाँ पे 0.6 एंड यहाँ भी 0.6 अगर होती थी तो मैं कैलकुलेशन वन टाइम में करके एग्जाम्पल फिनिश कर सकता था। यहाँ पे सेपरेट कैलकुलेशन 0.6 के लिए एंड यहाँ पे 0.4 के लिए कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे फॉर स्टेप नंबर 1। ओके, आप देख सकते हो स्टेप नंबर 1, यस, उसकी विड्थ एंड हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, विड्थ होगी 0.6, डेप्थ होगी ये पॉइंट से लेके तो ये पॉइंट तक, दैट इज अ 0.5 एंड लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के फार्मूले से लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। 0.6 विड्थ होगी एंड डेप्थ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 0.5। मीन्स मैं सेम प्रोसीजर यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। लॉन्ग वॉल में सबसे पहले L1, उसके बाद आएगा L2,
व्हाट इज द फार्मूला फॉर लॉन्ग वॉल? यस, आप देख सकते हो लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ आइटम। जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंसेस रहेंगे उसमें विड्थ ऐड करूंगा। आप देख सकते हो दीज आर दी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस ऑफ लॉन्ग वॉल। फर्स्ट वन इज 8.1 एंड सेकेंड वन इज 4.3। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ 8.1 एंड 4.3। एज इट इज अ लॉन्ग वॉल मैं यहाँ पे प्लस विड्थ करूंगा। विड्थ ऑफ आइटम फर्स्ट स्टेप चल रही है यूसीआर की। फर्स्ट स्टेप आपको ड्राइंग की ओर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। दिस इज दी यूसीआर मेजरमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बट मैं कैलकुलेशन किसका कर रहा हूँ? स्टेप नंबर वन की ओर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। स्टेप नंबर वन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसकी विड्थ है 0.6। मीन्स मैं यहाँ पे 0.6 ऐड करूंगा बिकॉज फार्मूला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ आइटम। विड्थ यूसीआर की जो है यहाँ पे 0.6 है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे 0.6 ऐड करूंगा। तो आंसर होगा 8.7 एंड यहाँ पे 4.3 प्लस 0.6 4.9। यस, आपको बस अब ये जो वैल्यूज है टैबलेट फॉर्म में यहाँ पे इंटर करना है मेजरमेंट शीट में। आपको पता है L1 के नंबर्स दो, L1 2, L2 एक, नंबर्स 2 एंड 1। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हमने अभी जैसे कैलकुलेट किया है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ 8.7 एंड यहाँ पे आया है 4.9। पुट करूँगा 8.7 एंड यहाँ पे इंटर करूँगा 4.9। देन विड्थ एंड हाइट ऑफ यूसीआर मेसनरी, बिकॉज हम लोग आइटम कैलकुलेट कर रहे हैं यूसीआर मेसनरी। यूसीआर मेसनरी विड्थ है 0.6 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डेप्थ है 0.5। यहाँ पे मैं इंटर करूँगा विड्थ 0.6 एंड डेप्थ होगी 0.5। कैलकुलेशन अगर आप करते हो, सबका मल्टीप्लीकेशन आप करते हो, तो यहाँ पे आंसर होगा 5.22 मीटर क्यूब एंड 1.47 मीटर क्यूब। यूसीआर मेसनरी का मोड ऑफ मेजरमेंट भी है मीटर क्यूब। मींस तीन डायमेंशन यहाँ पे आएंगे, LBH, लेंथ भी, विड्थ एंड हाइट भी। मींस यहाँ पे होगा मीटर क्यूब, यूनिट रहेगा उसका, मोड ऑफ मेजरमेंट रहेगा मीटर क्यूब। शॉर्ट वॉल के लिए आपको मैं सेकंड टाइटल यहाँ पे डालूंगा, शॉर्ट वॉल S1। आप देख सकते हो S1 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3.3। एज पर द फार्मूला लॉन्ग वॉल में ऐड करना है विड्थ एंड शॉर्ट वॉल में माइनस करना है, डिडक्ट करना है। मीन्स मैं यहाँ पे माइनस करूंगा विड्थ। यूसीआर मेसनरी में स्टेप नंबर वन चल रहा है, स्टेप नंबर वन यहाँ पे है, उसकी विड्थ है 0.6। मीन्स मैं यहाँ पे 0.6 माइनस करूंगा, दैट इज द विड्थ ऑफ आइटम। 3.3 माइनस 0.6 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो आंसर होगा 2.7। ओके, जो भी वैल्यूज यहाँ पे हो गए वो सभी वैल्यूज यहाँ पे मेजरमेंट शीट में इंटर करना है। शॉर्ट वॉल टोटल 5 नंबर्स होंगे 5। लेंथ जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया 2.7। विड्थ एंड हाइट एक बार हमने फाइनल किया तो ये चेंज होगा नहीं, 0.6 एंड 0.5। मल्टीप्लीकेशन करना है एंड आंसर होगा यहाँ पे 4.05 मीटर क्यूब। ओके, लॉन्ग वॉल L1 हो चुका है, L2 हो चुका है, शॉर्ट वॉल में S1, L1, L2 एंड S1 सभी वैल्यूज यहाँ पे होने के बाद हम लोगों ने UCR मेसनरी स्टेप नंबर वन का पूरा कैलकुलेशन हमने कर लिए हैं। गाइज, UCR मेसनरी यहाँ पे कंप्लीट हुआ नहीं है, हमने UCR मेसनरी का सिर्फ स्टेप नंबर वन की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है। UCR मेसनरी में स्टेप नंबर टू आप देख सकते हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये पूरी जो डेप्थ है ये होगा स्टेप नंबर टू। भले ये ग्राउंड लेवल के ऊपर है या ग्राउंड लेवल के नीचे है, दैट इज नॉट द इशू। यूसीआर मेसनरी का जो स्टेप नंबर टू है यहाँ पे स्टार्ट होगा एंड यहाँ खत्म होगा। आप देख सकते हो वर्टिकल डेप्थ है 0.45 एंड ये 0.3। बी स्टेप नंबर टू, सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करनी है। वंस अगेन लॉन्ग वॉल मैं थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो लेंदी ना हो। L1, L2, देन शॉर्ट वॉल S1, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस आपको पता है एज पर दिस स्टेप, यस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस यहाँ पे लेना है। L1 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 8.1, L2 4.3, S1 3.3। एज पर द फार्मूला, एज पर द कंसेप्ट, लॉन्ग वॉल में उसकी विड्थ जो भी आप आइटम का कैलकुलेशन कर रहे हो उसकी विड्थ ऐड करनी है एंड शॉर्ट वॉल में वो विड्थ माइनस करनी है। मीन्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, दैट इज अ विड्थ। यूसीआर मेसनरी में कौन सा, स्टेप नंबर टू का। आप देख सकते हो यूसीआर मेसनरी में स्टेप नंबर टू यहाँ पे है, यस उसकी जो विड्थ है वो है 0.4 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ पे विड्थ 0.4 ऐड करूंगा, यहाँ पे 0.4 माइनस करूंगा,
कैलकुलेशन करके आपको इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके यहाँ पे इंटर करना है। 8.1.4 ये होगा, 8.5 ये होगा, 4.7, 2.9। इसके बाद आप सभी को पता है नंबर्स यहाँ पे इंटर करने हैं। मैं लॉन्ग वॉल के नंबर्स आपको पता है L1 2, L2 1, शॉर्ट वॉल के 5, ओके सभी नंबर्स मैंने अभी इंटर किए। लेंथ L1 की, L2 की एंड S1 की हमने अभी कैलकुलेट किया है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल 8.5 यहाँ पे है, देन 4.7 लेंथ के कॉलम में, देन 2.9, दीज आर दी लेंथ्स। उसके बाद स्टेप नंबर 2 की विड्थ 0.4, जैसे हमने यहाँ पे फाइनल की थी 0.4, विड्थ ऑफ UCR मेसनरी है 0.4 स्टेप नंबर 2 की। उसके बाद डेप्थ स्टेप नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट है एंड यहाँ पे टोटल कंप्लीट है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल के बाद 0.45 एंड ग्राउंड लेवल के नीचे 0.3। मीन्स आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पे H ऑफ स्टेप नंबर 2, H इक्वल टू 0.45 प्लस 0.3, आंसर होगा 0.75। मीन्स आपको यहाँ पे इंटर करना है डेप्थ ऑफ UCR मेसनरी फॉर स्टेप नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी मैं इंटर करूँगा 0.75। यस आपको बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना है। यस इसका आंसर होगा 5.1 मीटर क्यूब, नेक्स्ट 1.41 मीटर क्यूब एंड नेक्स्ट 4.35 मीटर क्यूब। यस दिस इज द UCR मेसनरी फॉर स्टेप नंबर 2। इसके अलावा आप कोई भी यहाँ पे UCR मेसनरी बैलेंस रहनी नहीं चाहिए। आप देख सकते हो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ UCR मेसनरी फॉर स्टेप नंबर 1, सेकंड मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 2 का भी कैलकुलेशन किया है। ये पूरा आंसर एंड ये पूरा आंसर का आपको एडिशन करना होगा, दैट विल बी द टोटल UCR मेसनरी। आपको एडिशन करनी होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी का अगर आप टोटल करोगे तो टोटल आंसर आएगा 21.6 मीटर क्यूब। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ UCR मेसनरी। हमें जैसे पूछा गया था एक्सकेवेशन, PCC, UCR मेसनरी तीनों का भी कैलकुलेशन इस वीडियो में आपको बताया है। रिमेनिंग आइटम्स का अगर कैलकुलेशन करना है, प्लास्टरिंग होगा, देन फ्लोरिंग होगा, सीलिंग प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, PBM होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में कैलकुलेशन करके दूंगा। दिस इज द वीडियो फॉर कैलकुलेशन ऑफ आइटम्स लाइक एक्सकेवेशन, PCC, UCR फॉर द रेसिडेंशियल लोड बेरिंग स्ट्रक्चर।